सितारे मस्ती में मैं उस धात कनन और मेरे साथ है डॉनों के डॉन शाहरुख खान। ताली बजाइए अपने लिए, चलता है शो में, सब चलता है। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे शो पे आए, बट ऑनेस्टली मुझे भी बड़े पर्दे पर डॉन बनना है बिल्कुल आपकी तरह, तो आप मुझे थोड़े टिप्स दीजिए टू बिकम अ गुड डॉन लाइक यू और अ बैड डॉन लाइक यू। यू हैव टू फर्स्ट स्पीक लिटिल लोअर लाइक दैट, या इट शुड ब्रीद आउट कम आउट वेरी वेरी नेचुरली, आहिस्ता से जो भी बोलो ऐसा लगे कि बहुत डरा कर बोल रहे हो। अगर ये भी बोलो मुझे तुम्हारा पिंक स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, तो उससे भी ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें मार दूंगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अच्छा, सेकंड इज यू ऑलवेज गॉट अ सिट लाइक दिस, या वेक डार्क ग्लासेस इवन एट नाइट, की बैंगिंग इनटू वॉल्स, लेकिन फिर भी पहन के घूमो, और बंदूक हो ना हो ये पोज हमेशा साथ में रखना। ऐसे एब्सोल्युटली। Am I good enough to be a Don now? Perfect. Don 3 में हम तुमको ले लेंगे। तो फिर आपका क्या होगा फिर? मैं Don 4 बनाऊंगा, 5 बनाऊंगा। Real life में भी आप Don ही हैं मैंने सुना है, हाँ? आपके पास एक C gang हुआ करता था। What is that C gang? बताइए। C gang हमारे स्कूल में था, जब हम सब हम C section में थे। C section not like cesarean section, but C section। हम लोग सब electronics करते थे और बचपन से हम साथ में बड़े हुए, 4-5 दोस्त हैं हम। तो हम लोगों ने अपना एक गैंग बनाया था जो चलता एक तरह से था, म्यूजिक ऐसा सुन रहा था, केसी केसन का, नाइकी जूते पहनता था, डार्क ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट। और हमारे एक दोस्त हैं रमन, जो बहुत बड़े पायलट हैं अभी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पायलट्स। तो उन्होंने सी गैंग का बैच बनाया था, जो मारुति 800 के जीरोस को काट के सी बनाते थे, और गैंग जो था वीडियो कैसेट्स आते थे उस पर ABCD होता था, तो उससे। सो वी यूज़ टू हैव अ होल कार्ड, और उसमें सिर्फ 5-6 लोग थे। तो अभी भी वो सी गैंग है कि खत्म हो चुका है? हम हैं 5 लोग यार, अभी भी हैं, हमारे पास सब टी शर्ट्स भी हैं, और हम साल में 5-6 बार जरूर मिलते हैं। दिल्ली में है सब, और एक सिंगापुर में है, एक लंदन में है, लेकिन हम दिल्ली में ही रहने वाले हैं, हम दिल्ली के, तो हम जरूर मिलते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी टकराई जाते हैं, और हम बहुत हंसते हैं बैठकर। वही मेरे 4 दोस्त हैं जो बहुत करीबी हैं और बचपन से हैं, नियरली फ्रॉम द एज ऑफ 6 or 7 वी हैव ग्रोन अप टुगेदर। हाँ, चुनु मुनु डे से हम स्कूल में साथ में थे, किंडरगार्टन में साथ में थे, और 12वीं तक हम तकरीबन साथ में थे, फिर एक ने कॉलेज भी साथ में किया, फिर हम अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन अब जब मिलते हैं तो बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब साथ में मिलते हैं। शूटिंग के दौरान सुना आपका वेडिंग रिंग जो था वो गुम हो गया था, गायब हो गया था, ये सुनने में आया था, ऐसा वाकई में हुआ था कि नहीं? हो सकता है हुआ हो यार, हो सकता है गिर गया हो। मैं हमेशा अपना जो रिंग है रवि दादा के साथ रखता हूँ, और उनके लड़के अब मेरे साथ हैं अरुण, तो मुझे लगता है रवि दादा ने तो नहीं घुमाया होगा, अरुण ने जरूर घुमा दिया होगा, और मुझे बताया नहीं है लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया। तो अगर रियल डॉन जो घर में उसको पता चलेगा कि वो रिंग गायब है तो आपका हाल क्या होगा, प्लीज बता दीजिए आज। नहीं, अभी तो बहुत साल हो गए, अब सिर्फ एक अंगूठी पे निर्धारित नहीं है हमारा, हमारी फैमिली, अब तो उसके बिना भी चलता है। बट आई वुड फील बैड क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ, मैं एक्चुअली गलत फिंगर पे पहनता हूँ, आई थिंक वेडिंग बैंड लेफ्ट में पहनते हैं। सर, शादी मुझे, नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। हाँ, मैं भी अभी अभी शादी हुई मेरी, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा अंदाजा नहीं, मैंने राइट में पहना और मुझे आदत सी पड़ गई है, तो आई फील इट है, लाइक जैसे घड़ी पहनने की आदत हो जाती है, तो मुझे एक आदत सी पड़ गई है, सो मोर फॉर दैट देन एनी अदर रीज़न। पर आप अंगूठियों से खेलते भी बहुत है ना, कंटिन्यूसली? उससे मुझे मालूम पड़ता है, जब निकलती नहीं मतलब मेरा वेट पुट ऑन हो गया, तो वर्कआउट करूं, जब तक निकलती रहती है कि वेट ठीक है। मैंने जब नोटिस किया, जब भी आप बैड बॉय वाला रोल करते हैं या विलन टाइप रोल करते हैं, डर हो, बाजीगर हो, यू बिकम अ बिगर हीरो, तो आपको लगता है ऑडियंसेस गेट अट्रैक्टेड टू द बैड बॉय सिंड्रोम, ऐसे आपको लगता है? No, I don't think so. मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर एक बेस एलिमेंट होता है, एक डार्क एलिमेंट होता है जो रहता ही है हमारा। आई थिंक इंसान जो है कभी भी अच्छाई और बुराई के बिना साथ नहीं चल सकता, इवल एंड गुड ऑलवेज इन अस, एंड वी ऑब्वियसली हैव टू कीप कैप्चरिंग इट, कि हम कभी कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी बुरे हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि अमूमन बुरों को लोग पसंद नहीं करते, बट कहानियों में, किताबों में, मूवीज़ में, वीडियोज़ में एक वेंटिंग का जरिया होता है कि किसी बुरे इंसान को देखो या बुरे कैरेक्टर को देखो, जैसे बैटमैन में जोकर डर के अंदर, जैसा मेरा कैरेक्टर था कि आई लव यू किरण, सो एक वो होता है कि यार एक अट्रैक्शन रहता है हमेशा बैडनेस का, और अगर उसको कोई हीरो प्ले करे तो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लाइक प्लेइंग नेगेटिव रोल्स। जब मैंने शुरुआत भी की थी बाजीगर, डर, अंजाम, डॉन, मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ बिकॉज रियल लाइफ में मैं वैसा हूँ नहीं, तो अच्छा लगता है कि एक जो मेरा बेसर एलिमेंट है या जो नेगेटिव एलिमेंट है उसको मैं वेंट कर सकता हूँ। सो आई रियली एंजॉय इट, आई फाइंड इट वेरी नाइस, एंड आई एम सो हैप्पी। एज जब मैं बाजीगर मैंने की थी तो मुझे बच्चे मिलते थे और कहते थे हमको वो रोल बहुत अच्छा लगा है, हालांकि बहुत ट्रेचरस है, आई थिंक इट वॉज एन एडल्ट और UA फिल्म, और मुझको आई एम नॉट गेटिंग इन टू द मोरालिटी ऑफ इट ऑल कि सही है कि गलत, उस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट है, बट आई थिंक वेन पीपल सी वीडियो पे या फिल्म में या कहानियों में बुरी चीज़ें पढ़ते हैं तो इट अलाउज देम to give vent to that part and makes them a better person. I know it glamorizes badness, you know, मैं हूँ डॉन, उसका चाल है, स्टाइल है,
पर इट्स जस्ट अ फिल्म एंड आई डोंट थिंक जिंदगी किसी की बदल जाएगी इसको देखकर. मुझे लगता नहीं कि असली के डॉन ऐसे होते. आई डोंट थिंक जैसा मैं डॉन हूँ, ढाई तीन घंटे तो कपड़े पहनने में लग जाए, बाल बाल करने में लग जाए. तो गोली कब मारेगा? गोली कब मारेगा? तो लड़कियों के साथ घूम रहा है, आराम से चल रहा है, अच्छी गाड़ियाँ चला रहा है, कूल लाइन्स बोल रहा है, तो धंधा कब करेगा? सो ऐसे डॉन हो नहीं सकता आदमी. सो उसकी अनरियलिटी दिमाग में रख के इफ यू एंजॉय इट, आई थिंक इट्स नाइस. तो आपके अंदर कितना ईवल है, कितना गुडनेस है? Confide करिए मुझ में. I think I'm 51% good, 49% bad. Ooh. And I'm when I'm good, I'm kind of good. But I'm bad, then I'm very bad. Yeah. And I'm very honest about that. मैं सबको यही बोलता हूँ. बाकी मेरा कभी कभार इमेज जो है, लोग कहते हैं कि अच्छा हूँ, स्वीट हूँ, वो सब में सच्चाई नहीं है. 49% is really bad. And काफ़ी मीन हो सकता हूँ मैं, aggressive हो सकता हूँ. मैं ज़्यादा दिखाता नहीं वो साइड, फिल्मों में ही दिखाता हूँ जब दिखाने का मौका मिलता है.